page number 161. Okay, we will do the question number one first. Be patient. Okay ना, लंबा सफर है. जिन लोगों का थ्योरी रेडी है, थरो रेडी मतलब खाली बाहर कर लिया करके तो लोग के लिए नहीं, पर दो जो लोगों ने सिंसियरली थ्योरी रेडी कर रखा है उनके लिए ईज आउट हो गया एकदम. अच्छा, द विक्रम एंड क्या दिया हुआ है, प्रज्ञा. द विक्रम एंड प्रज्ञा से द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3. ओके, द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली. इट इज द विक्रम और प्रज्ञा का जो शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3 है. एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर. ऑल का बैलेंस शीट द गिवन. वी गॉट द लायबिलिटी, वी हैव क्रेडिटर, 1,05,000 क्रेडिटर है. एंड देन कैपिटल विक्रम एंड प्रज्ञा का. एंड देन असेट साइड में कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर. अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट हम लोग बैलेंस शीट के अंदर आइटम जो सोचते हैं, हम लोग जनरल रिजर्व, रिजर्व देखो लाइब्रेरी साइड कुछ रिजर्व जो वर्ड दिया है, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड कुछ दिया क्या, नहीं. लाइब्रेरी साइड में क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया लाइब्रेरी साइड में. इफ द प्रॉफिट लॉस गिवन ऑन द लाइब्रेरी साइड, इट इज अ क्रेडिट बैलेंस. असेट साइड में प्रॉफिट लॉस दिया क्या, नहीं. मतलब सब में रिजर्व भी नहीं है, प्रॉफिट लॉस भी नहीं एट ऑल. ओके ना, इन दिस सम देयर इज नो रिजर्व एंड नो प्रॉफिट लॉस ऑन डेबिट बैलेंस. ओके, लेट टेक द दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2018. अब लोग का न्यू पार्टनर कौन है, अवनी है, राइट. सो दे बिकम नाउ द 3 पार्टनर. हु आर दे, विक्रम, प्रज्ञा एंड देन अवनी, राइट. ओके, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. अवनी शेयर 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट. तो अवनी को जो न्यू पार्टनर, उसका रेशियो कितना न्यू वाले का, 1/4 है. He shall bring 37,500 as his capital. He shall bring. Avani will bring. कितना capital लेके आ रहा है? 37,500 is capital. अलग capital bring by the new partner. What is the entry? Capital bring by the new partner. Cash bank account debit. Assets account debit to new partner capital. अब ऐसा कुछ बोला कि मशीन लेके आ, फर्नीचर लेके आ रहा है. Only word given. He shall bring 37,500 is capital. तो capital bring कर रहा है, तो क्या ला रहा है? Cash ला रहा है. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनी है, अवनी कैपिटल. थ्योरी में पूरा बाय ऐड किया तो पूरा नहीं लिखा यहाँ, अभी असेट नहीं है इसके अंदर, तो डोंट राइट द असेट्स, ओनली कैश. तो कैश इज ब्रिंग बाय द पार्टनर, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अवनी कैपिटल, बराबर है. और आगे क्या दे रहा है, अब देखो सेम लाइन कंटिन्यू है. ही सेल ब्रिंग कैपिटल एंड ही सेल ब्रिंग 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. वो जो लाइनिंग है ना, सेम लाइन में है. अभी तो आगे बोलो सर, कहीं पर ब्रिंग नहीं किया गया 30,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल गुडविल, बट बिकॉज द सेम लाइन कंटिन्यू है तो जो ब्रिंग वर्ड है ना वो दोनों के लिए है. ही ब्रिंग 37,500 कैपिटल, ही ब्रिंग 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल. तो कितना गुडविल ब्रिंग कर रहा है, 30,000. अभी हम लोग गुडविल नॉर्मली एक कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट. ओके, फिर गुडविल ऑफ द फर्म, फिर गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर. बट इसमें गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली दे दिया, कितना अमाउंट दिया है, 30,000, और गुडविल ब्रिंग है. अब अपने क्वेश्चन में गुडविल के अलग अलग केसेस हैं. एक था पहला गुडविल रेज, गुडविल वैल्यू, गुडविल ओपन. तो गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो. देन सेकेंड था गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ, रेज एंड रिटर्न ऑफ, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट न्यू रेशियो टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो. एंड देन थर्ड केस था गुडविल ब्रिंग इन कैश, गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड रिटेन्ड. तो क्या एंट्री था, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, बराबर है, इन सैक्रीफाइस रेशियो. यहाँ पे गुडविल क्या आ रहा है, ब्रिंग इन कैश दिया हुआ है. फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका वो ब्रिंग वाला वर्ड जो है वो कैपिटल के लिए भेज, उसने कैपिटल भी लेके आया और गुडविल भी लेके आ रहा है. तो कैपिटल ब्रिंग का एंट्री करना है एंड देन गुडविल ब्रिंग का एंट्री करना है. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 48,000. ये एडजस्टमेंट है सब, हाँ, एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया था उसको न्यू वैल्यू. इन द एडजस्टमेंट दे गिवन द वैल्यू, इट इज कॉल्ड न्यू वैल्यू. सो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 45, न्यू वैल्यू 45 है. ऊपर चेक करो बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स का साइड में 37. तो इन द असेट साइड जो वैल्यू दिया उसको बोलते बुक वैल्यू. असेट के अंदर जो अमाउंट है ना, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू. एंड एडजस्टमेंट इज कॉल्ड टेकन इन, न्यू वैल्यू. मतलब दिया क्या कोई पार्टनर टेक किया है,
Is it given the Vikram taken, Pradnya taken? So how do you consider it taken? It is new value. When the new value jada rahega, to so the appreciation, but the increase in assets. New value jada rahega, to increase in assets. New value kam rahega, to decrease in assets. Adjustment mein new value hai, to jada hai kam hai. 37 के कंपेयर ज्यादा है ना, कितना ज्यादा होगा डिफरेंस, कितना ज्यादा होगा 7500 डिफरेंस आएगा, तो 7500 इंक्रीज हो गया असेट्स इंक्रीज, क्या एंट्री असेट इंक्रीज, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बराबर है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो 7500 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ओके। और फिर क्या दिया, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10%, जब परसेंटेज दिया तो ऊपर चेक करो पहले फर्नीचर कितना है, 3000, तो 3000 का 10% 300, 10% तो जस्ट इग्नोर 10, तो 3000 में 10 गया 300, क्या एंट्री डेप्रिसिएशन का, रिवैल्यूएशन टू असेट्स, देन प्रोविजन पर बैड एंड डाउटफुल इज टू मेंटेन 5% डेटर, डेटर के ऊपर 5% आरडीडी बोला आपने, केस में डेटर मैंने दो लिख के, मतलब आरडीडी का लिख के दिया, ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी, व्हेन द न्यू आरडीडी मोर रिवैल्यूएशन टू आरडीडी, व्हेन द न्यू आरडीडी लेस आरडीडी टू रिवैल्यूएशन लिख के दिया हूं, तो जब वो न्यू और ओल्ड है तो ना ऐसा करते आप, व्हेन देयर इज अ न्यू आरडीडी एंड ओल्ड आरडीडी, अब ओल्ड मतलब कभी भी बैलेंस शीट के अंदर रहेगा, ओल्ड मीन्स एनीथिंग ओल्ड मतलब इन द बैलेंस शीट, and new means in the adjustment, ऊपर चेक करो डेटर पे कहीं पे आरडीडी लिखा है, तो लिखा है डेटर लेस आरडीडी, ये लिखा मतलब ओल्ड आरडीडी नहीं है, ओके तो मैं ऐसा बोलूँ ओल्ड आरडीडी नहीं है मतलब ओल्ड आरडीडी जीरो, क्या नहीं, क्या नहीं, ओल्ड आरडीडी नहीं है मतलब जीरो वैल्यू है, तो ओल्ड आरडीडी जीरो, और न्यू आरडीडी अभी कितना बोल रहा है 5%, तो 87000 का 5% करो, 87,500 into 5%, 20 cancel हो गया, 55 जा 25, 2 537 3 40 and 4375, अब old already 0 है और new already 4375, तो new already ज़्यादा है ना, तो entry क्या new already ज़्यादा, तो revaluation account debit to RDD account, ओल्ड आरडीडी नहीं है ना क्वेश्चन में मतलब जीरो वैल्यू, तो ओल्ड आरडीडी जीरो न्यू वैल्यू इज द 4375, तो एंट्री विल बी द रिवैल्यूएशन टू 1987000, हां 87000 क्या, अच्छा 87000 का ऐसा बोलो ना भाई, चले तो 4350 आएगा, चल नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इज टू वैल्यूड एट 8200, स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है 82, ये 8200 क्या ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू, एडजस्टमेंट मींस न्यू, बैलेंस शीट मींस ओल्ड, अब ओल्ड वैल्यू कितना था 75, ओल्ड वैल्यू 75 और न्यू वैल्यू 8200, तो न्यू वैल्यू मोर और लेस, मोर, तो कौन सा एंट्री करेंगे, असेट्स इंक्रीज, असेट्स इंक्रीज, तो क्या आएगा असेट्स टू रिवैल्यूएशन, ठीक है ओके। और आपको मैंने एक लास्ट जब वीडियो में कर रहा था और उसमें हम लोग क्या था अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल एक्सेस सरप्लस कैपिटल डेफिसिट कैपिटल पॉइंट था ना एक पॉइंट में, तो मैं बोला था न्यू रेशियो में एडजस्ट करके करना पड़ता है, तो देखो लकली पहले सब में आ गया द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड, मिला द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट, मिल रहा है ना एक्सेस कैपिटल सरप्लस का एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर इन द लोन अकाउंट, तो क्या होता है ना से ओल्ड कैपिटल 150 का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल, और न्यू कैपिटल आ गया 120 60 ऐसा आ गया, अब जब इसका 1 लाख है 120 है तो 20,000 ज़्यादा हो गया, इसका 50,000 60,000 कितना ज़्यादा 10,000, ये जो 20,000 एंड 10,000 ज़्यादा हो रहा है उसको किसमें एडजस्ट करने बोल रहा है, वो लोन अकाउंट में एडजस्ट करने बोल रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा समटाइम इट कैन बी एडजस्ट इन द लोन, समटाइम इट कैन बी एडजस्ट इन द करंट अकाउंट और समटाइम इट कैन बी एडजस्ट इन द कैश अकाउंट, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं ओके।
what is given the capital of all the partner to be adjusted in their new profit sharing ratio and excess amount अगर कुछ ज़्यादा जो भी amount रहेगा that will be transferred in their loan account okay ये था पहला question अब क्या बोला फिर prepare profit and loss adjustment profit and loss adjustment को क्या बोलते हैं हम लोग revaluation account profit loss adjustment को ही revaluation account बोलते हैं तो लोगों ने बोला prepare profit loss adjustment account उसको हम लोगों ने धीरे में revaluation लिख के रखा है एंड देन कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर क्या बनाना है न्यू बैलेंस शीट करना है थ्री पार्ट तो हम लोग को लेजर करना है जनरल नहीं करना है ओके क्वेश्चन सर पॉज कीजिए दोस्तों नोट फॉर अ कैपिटल एडजस्टेड अगर सम क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टेड है ना उसके अंदर लास्ट में बन जाता कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर नीड टू बी एडजस्टेड तो हम लोग ये फाइव स्टेप्स करना पड़ेगा पहला कैलकुलेट न्यू रेशियो ऐसे भी याद रखना हम लोग इस चैप्टर के अंदर न्यू रेशियो मेजोरिटी करेंगे एक और कैलकुलेट हम लोग कैलकुलेट न्यू रेशियो देन टेक न्यू पार्टनर कैपिटल या बेस कैपिटल जो न्यू पार्टनर जो जितना कैपिटल लेके आया ना उसको क्या बोलते हैं बेस कैपिटल देखो पॉइंट नंबर सेकंड देखो ही शैल ब्रिंग द 37,500 एज हिज कैपिटल मिला तो जो 37,500 रहेगा वो बेस कैपिटल है बेस भैंस नहीं बेस कैपिटल है बेस कैपिटल ओके अभी क्या होता है बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर का रेशियो न्यू रेशियो नहीं बोला मैंने न्यू पार्टनर का रेशियो बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर का रेशियो से एग्जांपल 3:2:1 आया तो न्यू का कितना आ गया 1 अगर 1 रहेगा तो 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा वही आएगा ना अगर बाय चांस 1 आ गया तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से डिवाइड करो तो बेस कैपिटल ही आंसर आएगा पर अगर 5:3:2 आया तो 2 है तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ए न्यू पार्टनर का 5:3:3 है डिवाइड बाई 3 तो न्यू पार्टनर का जितना शेयर रहेगा वो रेशियो के रूप में उससे डिवाइड करने का तो बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर रेशियो इनटू ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या होगा ओल्ड पार्टनर का रेशियो 5 है इनटू 5 कर देंगे दूसरे वाले ओल्ड पार्टनर का 3 है इनटू 3 कर देंगे उससे क्या आएगा अपने को क्लोजिंग कैपिटल आता है क्लोजिंग हाउ टू गेट द क्लोजिंग कैपिटल बेस कैपिटल बेस कैपिटल के समान बढ़े आप ये क्या जैसे जो न्यू पार्टनर कैपिटल उसका बेस कैपिटल जी करते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल न्यू पार्टनर ने जो भी कैपिटल आया रहेगा उसको बोलते हम लोग बेस कैपिटल नाउ दिस बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर का रेशियो इनटू ओल्ड पार्टनर का रेशियो तो आंसर आएगा आपको क्लोजिंग कैपिटल से एग्जांपल अपने क्वेश्चन में क्या है 37,500 है ना बेस कैपिटल और अपॉन न्यू पार्टनर से एग्जांपल अपने न्यू रेशियो 5:3:2 एग्जांपल के लिए तो न्यू का क्या है ना 2 इनटू ओल्ड पार्टनर का रेशियो ओल्ड पार्टनर वाला कितना रेशियो है ये 5 ओल्ड पार्टनर का रेशियो इसमें से लेना है सब न्यू वाले में से लेना है ओल्ड वाले ओल्ड रेशियो नहीं लेना है इसके अंदर न्यू पार्टनर का रेशियो में ये ओल्ड पार्टनर दोनों का है और ये न्यू वाले का है अच्छा 3:5 तो सॉल्व करो इसको 2 1 2 2 8 16 2 7 into 36 into 5 ना करो भाई क्या वही सब बन गया 0 25 37 3 40 43 4 9 93 750 आ गया अब ये जो आपका कौन सा है विक्रम है तो विक्रम का कितना आ गया क्लोजिंग कैपिटल 93 7 वैसे भी किसका करेंगे 37,500 अपॉन 2 इंटू दूसरे वाले का भी करना पड़ेगा इंटू 3 इसको तो सॉल्व किया कितना 18,750 इंटू 56,250 आएगा क्या आ गया तो बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर का रेशियो इंटू ओल्ड पार्टनर का रेशियो यू विल गेट द क्लोजिंग कैपिटल अब क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा लास्ट में क्लोज कर देने का क्लोज द कैपिटल अकाउंट और उसके अंदर कुछ बैलेंस आएगा वो बैलेंस सच बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू सम टाइम इन कैश सम टाइम इन करंट अकाउंट सम टाइम इन लोन वो क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा सच बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू एज पर द क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन देखो लास्ट में तो क्या दिया है ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट मिला कहीं पे द अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट मिला तो सम टाइम बोलेगा लोन में डालना है तो लोन में डालेंगे हम लोग
समटाइम कैश में बोलेगा कैश में करेंगे, समटाइम करंट अकाउंट बोलेगा करंट में डालेंगे, और अगर कुछ भी बोला नहीं रहेगा तो भी हम लोग हमेशा कैश में डालेंगे। इफ नथिंग इज गिवन देन आल्सो वी विल एडजस्ट इन द कैश। इफ नथिंग गिवन देन आल्सो एडजस्ट इन कैश। कुछ मेंशन नहीं रहा तो भी कैश में डालना है। तो ये था टोटल आपका 5 स्टेप फॉर कैपिटल एडजस्टेड पॉइंट के लिए। पहला क्या करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना अपने को। सेकेंड, न्यू पार्टनर का सीधा कितना कैपिटल है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बेस कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल का फार्मूला क्या जाएगा, बेस कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर का रेशियो इंटू ओल्ड पार्टनर रेशियो, सो यू विल गेट द क्लोजिंग कैपिटल। देन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, और कैपिटल अकाउंट क्लोज करके कुछ बैलेंस अगर आया, समटाइम टैली भी हो सकता है, कभी कभी कुछ बैलेंस भी आएगा। अगर वो बैलेंस आया तो देखने सब में क्या मेंशन किया ट्रांसफर करने के लिए, वेदर इट इज गिवन द कैश, वेदर इट इज गिवन लोन, और वेदर इट इज गिवन करंट अकाउंट, जो भी बोला रहेगा उसके अंदर एडजस्ट करेंगे हम। ठीक है, सो बुक्स ऑफ विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, ओके, ऑल थ्री पार्टनर। In the top right page number and catch up because you don't have a textbook. Yes. और textbook रहेगा तो भी लिख रखने आप, इससे पहले कौन से पेज पे उसका सोल्यूशन है। तो पेज नंबर 161 catch up 1, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, द पर्टिकुलर रुपीज नॉर्मली 8 to 10 लाइन, स्मॉल सम रहेगा तो 8 लाइन, बड़ा सम रहा तो 10 लाइन का राउंड जाएगा। एंड देन कैपिटल अकाउंट अगेन पार्टिकुलर, वी हैव थ्री पार्टनर्स, वी हैव टू पुट द थ्री कॉलम, सर चार रहेगा तो कैसे होएगा, डबल पेज यूज करना पड़ेगा ना। एंड देन अगेन पर्टिकुलर क्रेडिट साइड में अगेन थ्री पार्टनर, यू आर सपोज टू राइट द फुल लेटर, हाँ मैं स्मॉल में वी लिखा हूँ तो आप भी वी मत लिख लेना, पूरा लिखना है हाँ क्या। एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, उन्होंने जो बैलेंस शीट दिया वो बिफोर एडमिशन है, वो एडमिशन के पहले का बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट, दिस इज अ न्यू बैलेंस शीट बट आफ्टर एडमिशन पार्ट। सो न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज, नॉर्मली अगेन 12 to 15 लाइन जाता है, 12 लाइन तक हो, ओके। ये तो अपना लेजर का फॉर्मेट सब। अब इसके अंदर मैंने कैश अकाउंट ड्रॉ नहीं किया हूँ, कुछ याद करो मैंने व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, तो मैं लिख के दिया था रिवर्सल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, अगर इफ देयर इज टू और मोर एडजस्टमेंट है तो एक दो एडजस्टमेंट है तो डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ओके। एंड देन बैलेंस, ये तीन तो कंपलसरी ऑलवेज, पॉज करो।